शक्ति के विषय में मेरा क्या अनुभव है, मेरा खुद का। तो मैं तो और संतों के अनुभव को ज्यादा महत्व देता हूं, और ऋषियों का, शास्त्रों का, देवर्षि नारद जी का, वाल्मीकि जी का, तुलसीदास जी का, सूरदास मीरा जी का, इन लोगों के अनुभव को महत्व ज्यादा मैं देता हूं। फिर भी कोई मेरा ही पूछना चाहता है तो मैं एक छोटा सा अपना सुना करके फिर आगे चलूंगा। प्रभु की कृपा से गंगा जी के किनारे कर्णवास में मैं 9 वर्ष रहा। वहां मुख्य कार्य था कि भगवान की कृपा से ही था नाम जप कर। तो जो चीज ज्यादा विपाक हो तो उसी के विषय में चिंतन होता है। तो उस समय मेरे मन में एक दिन हो रहा था चिंतन कि इसमें क्या शक्ति और क्या सामर्थ्य, पूछा गया इसलिए बता रहा हूं, मैं तो बताता नहीं। तो आकाश से बिजली कूद रही थी, मेघमाला आकाश में अच्छा दिखती, इतनी जोरों की तड़े चमक रही थी, मोटी जैसे चमकीली सी पीली धार के ऐसे, और मैं अकेला था। जो लोग देखे उनके कर्णवास में उसको किया को वो ज्यादा याद कर पाएंगे। तो ऊपर एक गुंबद था, उसके नीचे वाले कमरे में, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर। बाहर रात को 11 बजे की बात है, मैं खड़ा हुआ था, माला जप की झोली और माला मेरे हाथ में थी, और बिल्कुल एकाकी, दूसरा कोई नहीं था। ठाकुर जी का नाम उनकी कृपा से जप रहा था। अब मैं देख रहा हूं कम से कम 2-2.5 फीट चौड़ी एकदम तेज धारा ऊपर से गिरती थी, जोर की गर्जना के तड़तड़ाहट के साथ। और महाराज मेरे को पता नहीं कैसे प्रभु की इच्छा से बात आ रही थी कि ये तो बहुत घातक चीज है तरित बिजली, लेकिन राम नाम की भी तो शक्ति होती है। बस ये सोच ही रहा था मैं, उसी समय वो खुली सी जगह है, कमरा नाम मात्र का ही है, गंगा जी का पद दर्शन हो रहा था, इतनी जोर की चमक हो रही थी, विश्वास दिखलाई पड़ रही थी। बादल में से एक सीधी इतनी मोटी चमचमाती हुई बिजली आई और जिस दरवाजे पर मैं खड़ा हुआ था उसी दरवाजे में से अंदर गई, कमरे के अंदर। कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना टाइम लगा होगा, शायद 1 सेकंड लगा होगा, इससे ज्यादा नहीं। और मुझे वैसे तो वैसे जैसे कोई मूर्ति खड़ी हुई ऐसे खड़ा रह गया, कुछ सोच ही नहीं सका कि क्या किया जाए। बच्चे खड़ा रहा, आंखें एकदम क्यों दिया तो बंद उसी हो गई। और महाराज वहां जितनी बिजली की चीजें थी, जैसे पंखा, बत्ती, वायरिंग, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, सब जल के राख हो गई, सब जल के राख, बल्ब और पंखा और वायरिंग सारी, ऊपर की नहीं नीचे की भी। और जो एक फ्रेम सा था उस दीवार में लोहे का, जैसे अलमारी का फ्रेम होता, उसमें शायद जाकर टकराई हुए, तो इतना सीमेंट उखाड़ दिया कि अंदर जो दीवार थी उस कमरे के अंदर कम से कम 4-6 टोकर इस सीमेंट का प्लास्टर ऐसा गिरा, पर छत नहीं गिरी। छत गिर गई होती तो आज बात के सामने नहीं होते, केवल छत नहीं गिरी, प्लास्टर गिरा, और प्लास्टर बारीक होके गिरा पाउडर जैसा, और एकदम अंधेरा छा गया। बिजली तो चली गई क्योंकि तो पहुंच गया, मेरे हाथ में टॉर्च थी, टॉर्च से मैंने देखा धुआं और धूप सा छाया हुआ। लेकिन अब मैं क्या कहूं, ठाकुर जी की कृपा कहूं या माला में जो जप चल रहा था उसकी विशेषता कहूं, कि मुझे एक क्षण को न बेहोशी आई, न चक्कर आया, और न कोई किसी प्रकार की चोट खटोट लगी, न कहीं घाव हुआ, न मैं गिरा। हमें उस समय चकित रह गया देख करके कि वो आई हुई बिजली फिर वापस गई,
आते और वापस जाते मैंने देखा, कमरे के अंदर आई, उसी कमरे के अंदर जिसके दरवाजे को पकड़ के मैं खड़ा था। फिर मैं टॉर्च लेके नीचे गया देखने के लिए, ऊपर का तो मैंने देख लिया, पंखा बल्ब सब फूंक गया था, वायरिंग सारी की सारी जल के राख हो गई थी। नीचे गया तो मेन स्विच जल गई थी, तो मैंने सोचा कि शायद ये ठाकुर जी ने नाम की शक्ति दिखलाई है क्या, ये नाम महाराज रक्षा करते, नाम महाराज हर विपत्ति काल में हमारे साथ रहते हैं, वो रक्षा करते हैं, इसका मुझे शायद प्रभु ने कराया है। तो मैंने ये अपने साथ की घटी हुई घटना आपको सुनाया, अनंत महिमा है उसमें से एक अंश मैं जो देख सका था आपको सुना रहा था। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। अब ये हमारे सौभाग्य उदय है ये जो आप कृपा करके दर्शन दिए, सौभाग्य जब दीन दयालु प्रभु त्रवित होते हैं तो अपने लाडलों का संग प्रदान करते हैं। प्रभु की सबसे बड़ी विशिष्ट कृपा यही होती है, भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन संभाषण, ये हमारे ऊपर विशिष्ट कृपा है। जैसे हम जैसे अधम कहीं जा नहीं सकते, रोग ग्रसित शरीर है, तो ये गुरुजन ये महापुरुष जन, जैसे माँ अपने बच्चे के पास दौड़ के आती है, ऐसे आप तक गुरुजन आकर के दुलार करते हैं, कृपा करते हैं, ये प्रिया जी की कृपा है, ये हमारे आराध्य देव की हम पर यही कृपा है कि आप सब जन कृपा करके द्रवित होकर दर्शन, भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है, जैसे कहा जाता है भगवत साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ, भगवत प्रेमी महात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ, बात संघर्ष अगर सेवन करते बन जाता मोगस, भगवान के समीप रहते हुए भी उद्धव जी को श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप का परिचय नहीं मिला, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप अनंत ईश्वर संपन्न प्रभु का नित्य निरंतर उनको सानिध्य है, पर इनका एक प्रेम स्वरूप भी है ये परिचय नहीं है उद्धव, संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी। इसलिए भगवान ने ब्रज गोपियों की चरण धूल में भेजा, और जब ऐसे महाप्रेमी जनों का दर्शन संभाषण चरण रज का स्पर्श, फिर तो निहाल हो गए। फिर ये नहीं कहा कि मुझे मथुरा में श्री कृष्ण के पास रहना, मुझे यही ब्रज में घास बना दो, लता बना दो, औषधि बना दो, क्योंकि प्रेमियों का सामिप्य से पता चला श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी श्री कृष्ण से वो प्रेम नहीं होता जो उनके प्रेमियों के संग से उनसे प्रेम होता। उद्धव जी से ये परिचय मिला, भगवत प्रेमियों के संग के बिना हमारे प्रभु के प्रेम स्वरूप का परिचय प्राप्त हो सकता है। तो ये तो अत्यंत कृपा श्री प्रियालाल जी की होती है, जब नाम जापक श्री चरणारविंद का अनुरागी हृदय ऐसा कोई दर्शन करने को मिले, ऐसे कोई दर्शन देने को मारे, ये तो अत्यंत कृपा होती है, अत्यंत। उद्धव हंसे जी महाराष्ट्र के, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर सृष्टि में ईश्वर ही सभी रूपों में खेल रहे हैं तो फिर संसार और परमात्मा में भिन्नता क्या है? तो भिन्नता रही नहीं, जैसे आप अंतिम श्रेणी पर पहुंचे तो भिन्नता कहां है? भिन्नता तो प्रारंभ और बीच में है, अंत में तो भिन्नता आ ही रही। अभी तो बच्चे हो ना, इसलिए तुम केवल बातें सुन रहे हो, विचलित हो रही हो। भिन्नता जो दिखाई दे रही है वो हमारी दृष्टि दोष है, त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव को ही हम देख रहे हैं, गुणातीत दृष्टि तो हो ही रही ना, प्रभु है गुणातीत और वो गुणातीत सब में, सब रूपों में, सब खेलों में, स्वयं में अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अब हमारी गुणमय दृष्टि है तो कहीं सात्विक वृत्ति का दर्शन करते, कहीं राजसिक का, कहीं तामसिक का, तो बड़ी भिन्नता दिखाई दे रही। ये भिन्नता तीन गुणों के दर्शन के कारण है,
और गुणातीत प्रभु तो शब्द के विराजमान है, उनके देखने के लिए दृष्टि गुणातीत दृष्टि चाहिए। गुणातीत है नाम, गुणातीत है रूप, गुणातीत है लीला, गुणातीत है धाम। आप नाम जब करो, धाम का आश्रय लो, लीलाओं का गायन श्रवण करो, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, तो आप भी देख पाओगे। अभी दृष्टि भिन्न का दर्शन कर रहे, क्यों अभी आप भिन्न में हो, आप अपने को प्रभु का मानो, आप प्रभु का मान लो। देह भाव से हो, विषयों के गुलाम हो, संसार के शरीरों के संबंधी सनेही हो, तो प्रभु से भिन्न भाव लेकर विचरोगे तो भिन्न ही दिखाई देगा, और प्रभु से अभिन्न भाव ले तो अभिन्न दर्शन हो जाएगा। प्रभु और भू के जन्मों में अभिन्नता है, ये तब समझ में आएगी जब आप अभिन्न हो जाओगे। अच्छा, सृष्टि में तो कुम्हार और मिट्टी और चाक, इसका भेद है कि यहां तो वही कुमार बना हो, वही चाक बना हुआ, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है, या रास्ते रघुनाथ कर बेग में जाने हुए, जो जाने रघुपति कृपा सफले हो वो अपना।